तो भाई लास्ट वाले व्लॉग में हम लोग गए थे गौरी उडियार। अभी हम लोग जा रहे हैं गौरी उडियार से अपनी नानी के घर। फिलहाल अभी हम लोग है पंद्रपाली गांव में और ये आसपास जो पीछे की तरफ गांव है ना, ये पूरा पंद्रपाली गांव है और यहीं कहीं है नानी के घर। जो नीला नीला सा और लाल सा आपको टीन का दिख रहा होगा हाहरे के बगल में। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और भूख लगनी स्टार्ट होगी। मैंने और दीपा ने तो कुछ भी नहीं खाया था दिन में, सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था। हम लोग से मैगी ले लेंगे तो घर पे जाके बना लेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ दिखता है मेरी नानी का गाँव, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये खूबसूरत सा गांव, ना कोई ट्रैफिक की आवाज और ना ही कोई पॉल्यूशन। नानी के घर जाने के लिए गाड़ी हमें रोड के साइड में ही पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि नानी के घर पहुंचने के लिए थोड़ी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। गांव में कुछ ऐसे रास्ते बने होते हैं जिनसे होते हुए हम अपनी नानी के घर पहुंचे, और जब आप इन रास्तों से होकर निकलते हो तो काफी सारे रिश्तेदार आपके बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं। तो ये हमारी नानी का घर, प्रॉपर पहाड़ों में हुआ करते थे ना घर पहले की तरह, उस टाइप का बना हुआ है। तो आओ चलते हैं, नानी से मिलते हैं पहले, बाद में घर दिखाऊंगा। अम्मा ओम रटा रटा ज्ञान। अम्मा अंधेरे बैठी हो, अम्मा वीडियो भी नहीं आएगी आपकी। तुम कैसा रहा? मीट ना खाला? मीट ना खाला इसके बाद स्टार्ट हो गई हमारी अम्मा के साथ गप्पे, वो भी चाय की चुस्की और मैगी के साथ। बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने अम्मा के साथ, आधी बातें उनकी हमें समझ नहीं आती थी और 90% बातें हमारी उनको समझ नहीं आती थी, क्योंकि अम्मा को हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती, ज्यादातर वो ठेठ कुमाऊनी भाषा ही बोलती हैं, और वहीं हम लोगों को बिल्कुल भी पहाड़ी भाषा बोलनी नहीं आती। हाँ समझ जरूर लेता हूँ। तूने वो रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर खाया है? वो Yes. वो ऐसी बनता है। तो कोई बात नहीं, रो क्यों रही है, वैसी बना देंगे। भाभी भाभी गुस्सा आ रहा है, चाकू फाड़ दूंगी। सुबह लिपस्टिक खा के अभी याद रो रही हूँ। मेरी लिपस्टिक खत्म ही नहीं हुई, तब भी सूख जाएंगी, वैसी हो जाएगी। मैं क्योंकि ऑफिस जाती हूँ रोज, सुबह उठते ही लगाओ और सोने से पहले लगाओ। लिप बाम की तरह। अम्मा बैठो, ये आज ये दिल्ली से बहू लाए हैं और नाते नाड़ी। चलो आज हमारा हेड शेफ है रजनी, देखो क्या होता है। अरे अरे हुक्का कौन कौन पिएगा, आ जाओ। अम्मा दो तो जरा एक। अम्मा मेले भी छोड़ना, अभी स्टार्ट ही तो करे। अम्मा मेरे को दे तो। कैसे पीते रे? खींचो खींचो आराम से खींचो, रोको ना गले में इसको। तो गले में लग, रोको गले में। इन व्यक्ति को अब पहले फ्लेवर उपका ट्राई करना। मैं तो गले में लगा यार एकदम। फ्लेवर उपका ट्राई करना। पापा माने कुछ ना, कुछ नहीं कहता। अरे बाप रे, करी हो गया यार। One more try? नहीं भैया, अभी
नशेड़ी। अरे यार मतलब पीना आ गया तुम्हारा नशेड़ी कह रही थी। तो हम आपको ना यहाँ पे ठंडा लगा था, हम लोग कि आप वहीं बैठ जाओ किचन में क्योंकि वहाँ पे चूल्हा चल रहा है। काम कर करके देखो अंगूठा देखो कितना बड़ा है। देख जा तुम्हें देख गाँव वालों के ना ये चीजें बहुत मोटी होती हैं। देखो आगे की जो ये बड़ी होती है काम कर करके। मेरी भी है। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? आगे चल के तुमने काम ही करना है। हैं? कौन सा काम? अम्मा ये बुआरी को यहीं रख लो। अभी रो जाए। हाँ। तेरे पापा तेरे मम्मी इनको पीट देंगे कि उसको वहाँ की हमारी लड़की कहाँ गई बेचाया तुमने। और ऐसे ही काफी देर रात तक अमा के साथ हमारी बातें चलती रही। लेकिन गांव में जो हमारा सबसे बड़ा टास्क था रात में वो था बाथरूम जाना। ज्यादातर जो पुराने टाइप के घर होते हैं उनमें बाथरूम अंदर नहीं होता था। रात को गांव में तेंदुआ आने का डर लगता है जिसे गांव में बाघ भी कहते हैं। वैसे तो पहाड़ों में रहना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बाथरूम अगर बाहर हो ना, स्पेशली जो प्रॉपर गांव होते हैं पहाड़ों में उनमें क्या होता है घरों के अंदर बाथरूम अभी भी नहीं बने हुए, तो घरों से ऐसे नीचे की तरफ उतर के सामने की तरफ घर है, यहाँ से सीढ़ियों से उतर के ऐसे करके बाथरूम बने होते हैं। बस यही है बंद करने का तरीका, खोल के दिखा दो। एक ही पटला सा लगा दिया और एक लॉक नहीं है बाहर, देखो एक कुंडे नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर्फ ये पटला है। तो गाइस यही था हमारा फर्स्ट डे अपनी नानी के घर पे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल में नए सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। आल्सो मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट। गुड नाइट।